टीवी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपसे मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात में एक बार फिर मेरे सभी परिवारजनों का स्वागत है आज एक बार फिर बात होगी देश की उपलब्धियों की देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों की 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है जैसे इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया मुझे विश्वास है कि आप सब ने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा एक बार फिर चंद्रयान तीन की सफलता का जश्न मनाया होगा पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान तीन ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना साथियों देश के युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से भी काफ़ी फायदा हुआ है इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज मन की बात में स्पेस सेक्टर से जुड़े अपने कुछ युवा साथियों से बात की जाए मेरे साथ बात करने के लिए स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई की टीम जुड़ रही है इस स्टार्टअप को आईआईटी मद्रास के एल्युम ने शुरू किया था ये सारे नौजवान आज हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है सुयस डेनिल, रक्षित किशन और प्रणीत आइए इन युवाओं के अनुभवों को जानते हैं हेलो 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 नमस्ते जी नमस्कार सर अच्छा साथियों मुझे ये देखकर खुशी होती है कि आईआईटी मद्रास के दौरान हुई आपकी दोस्ती आज भी मजबूती से कायम है यही वजह है कि आपने मिलकर गैलेक्स आई शुरू करने का फैसला किया और मैं आज जरा उसके विषय में भी जानना चाहता हूं इस बारे में बताइए इसके साथ ही ये भी बताएं कि आपकी टेक्नोलॉजी से देश को कितना लाभ होने वाला है जीप मेरा नाम सुयश है हम लोग साथ में जैसा आपने बोला सब लोग साथ में आईआईटी मद्रास में मिले वहीं पर हम लोग सब पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग इयर्स में थे अपने इंजीनियरिंग के और उसी वक्त हम लोगों ने सोचा कि एक हाइपर लूप नाम का एक प्रोजेक्ट है जो हम लोग चाहते थे साथ में करेंगे उसी दौरान हमने एक टीम की शुरुआत की उसका नाम था आविष्कार हाइपर लूप जिसको लेकर हम लोग अमेरिका भी गए उस साल हम एशिया की इकलौती टीम थी जो वहां गई और हमारे देश का जो झंडा है उसको हमने फहराया और हम टॉप 20 टीम्स में से थे जो आउट ऑफ अराउंड 1500 टीम्स अराउंड द वर्ल्ड चलिए आगे सुनने से पहले इसके लिए तो बधाई दे दूं मैं <laughs> बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उसी उपलब्धि के दौरान हम लोगों की दोस्ती काफी गहरी हुई और इस तरीके के कठिन प्रोजेक्ट्स और टफ प्रोजेक्ट्स को करने का कॉन्फिडेंस भी आया और उसी दौरान स्पेसएक्स को देख के और स्पेस में जो आपने जो ओपन अप किया एक प्राइवेटाइजेशन को जो 2020 में एक लैंडमार्क डिसीजन भी आया उसको लेकर हम लोग काफी एक्साइटेड थे और मैं रक्षित को इनवाइट करना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम क्या बना रहे हैं और उसका फायदा क्या है जी तो मेरा नाम रक्षित है और इस टेक्नोलॉजी से हमको कैसे लाभ होगा मैं इसका उत्तर दूंगा रक्षित आप उत्तराखंड में कहा से है सर, सर अल्मोड़ा से हूँ तो बाल मिठाई वाले है आप। जी सर जी सर बाल मिठाई हमारी फेवरेट है वो तो हमारा जो लक्ष्य सेन है ना वो मेरे लिए रेगुलरली तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ये अंतरिक्ष से बादलों के आर पार देख सकती है और ये रात्रि में भी देख सकती है तो हम इससे देश के किसी भी कोने के ऊपर रोज एक साफ तस्वीर खींच सकते हैं और ये जो डेटा हमें आएगा इसका उपयोग हम दो क्षेत्रों में विकास करने के लिए करेंगे पहला है भारत को अत्यंत सुरक्षित बनाना हमारे जो बॉर्डर्स हैं और हमारे जो ओशियंस हैं सीज हैं उसके ऊपर रोज हम मॉनिटर करेंगे और एनिमी की एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे और दूसरा है भारत के किसानों को सशक्त बनाना तो हमने ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनाया है भारत के झींगा किसानों के लिए जो अंतरिक्ष से उनके के पानी की क्वालिटी मेजर कर सकता है वन टेंथ ऑफ द करेंट कॉस्ट में और हम चाहते हैं आगे जाते हुए हम दुनिया के लिए बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट इमेजेस जनरेट करें और जो ग्लोबल इश्यूज हैं ग्लोबल वार्मिंग जैसे इससे लड़ने के लिए हम दुनिया को बेस्ट क्वालिटी सैटेलाइट डेटा प्रोवाइड करें इसका मतलब हुआ कि आपकी टोली जय जवान भी करेगी जय किसान भी करेगी जी सर बिल्कुल साथियों आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपकी इस टेक्नोलॉजी का प्रिसीजन कितना है सर हम लेस देन 50 सेंटीमीटर के रेजोल्यूशन तक जा पाएंगे और हम एक बार में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 300 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को इमेज कर पाएंगे चलिए मैं समझता हूँ कि ये बात जब देशवासी सुनेंगे तो उनको बड़ा गर्व होगा लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा जी सर स्पेस इकोसिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट हो रहा है अब आपकी टीम इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं? मेरा नाम है। हमने ये गैलेक्सी शुरू होने के बाद से ही हमने इन स्पेस आते हुए देखा है और काफी सारे पॉलिसीज आते हुए देखे हैं ये जैसे कि जियो स्पेशल डेटा पॉलिसी एंड इंडियन स्पेस पॉलिसी और हमने पिछले तीन साल में काफी बदलाव आते हुए देखा है और काफी प्रोसेसेस और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर और काफी फैसिलिटीज इसरो के ये अवेलेबल और काफी अच्छे तरीके से हुए हैं जैसे कि हम इसरो में जाके टेस्टिंग कर सकते हैं हमारे हार्डवेयर का ये काफी आसान तरीके से अभी हो सकता है तीन साल पहले वो प्रोसेसेस उतने नहीं थे और ये काफी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और काफी और स्टार्टअप्स के लिए भी और रिसेंट एफ डी आई पॉलिसीज की वजह से और ये फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी की वजह से और स्टार्टअप्स को आने के लिए काफी इंसेंटिव है और ऐसे स्टार्टअप्स आके काफी इजीली और काफी अच्छे से डेवलपमेंट कर सकते हैं ऐसी फील्ड में जिसमें यूजुअली डेवलपमेंट करना बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग रहता है बट करंट पॉलिसीज और इन स्पेस के आने के बाद काफी चीजें आसान हुई है स्टार्टअप्स के लिए मेरे मित्र चावडा बेस पे कुछ और बोलना चाहेंगे हम्म बताइए सर हमने एक और चीज ऑब्जर्व किया है हमने देखा है कि जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उनकी सोच में बदलाव देखा है वो पहले बाहर जाके हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते थे और वहाँ काम करना चाहते थे और स्पेस डोमेन में बट अब क्योंकि इंडिया में स्पेस इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है तो इस कारण वो लोग इंडिया वापस आके इस इकोसिस्टम के पार्ट बनना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा फीडबैक हमें मिला है और हमारे खुद की कंपनी में कुछ लोग वापस आके काम कर रहे हैं इसी वजह से मुझे लगता है कि आपने दोनों जो पहलू बताए हैं किशन ने और डेनिल दोनो ने मैं जरूर मानता हूँ कि बहुत से लोगों का इस तरफ ध्यान नहीं गया होगा कि एक क्षेत्र में जब रिफॉर्म होता है तो रिफॉर्म का कितने मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं कितने लोगों का लाभ होता है वो जो आपके वर्णन से और क्योंकि आप उस फील्ड में हैं तो आपको ध्यान में जरूर आता है और आपने ऑब्जर्व भी किया है कि देश के नौजवान अब इस फील्ड में यहीं पर अपना भविष्य जमाना चाहते हैं अपने टैलेंट का उपयोग करना चाहते हैं बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो स्टार्टअप्स और स्पेस सेक्टर में सफलता हासिल करना चाहते हैं मैं प्रणित बात कर रहा हूँ और मैं एक सवाल का जवाब दूंगा हाँ प्रणित बताइए सर मैं अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से दो चीजें बोलना चाहूंगा सबसे पहली इज़ अगर अपने को स्टार्टअप करना हो तो यही मौका है क्योंकि बुरी दुनिया में इंडिया आज वो देश है जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है और इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है जैसे मैं 24 साल की उम्र में ये सोच के प्राउड फील करता हूँ कि अगले साल हमारी एक सैटेलाइट लॉन्च होगी जिसके बेसिस पे अपनी गवर्नमेंट कुछ मेजर डिसीजन लेगी और उसमें हमारा छोटा सा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है ऐसी कुछ नेशनल इम्पैक्ट की प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिले ये ऐसी इंडस्ट्री और ये ऐसा टाइम है गिवन कि ये स्पेस इंडस्ट्री आज अभी तो स्टार्ट हो रही है तो मैं अपने युवा दोस्तों को यही बोलना चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ इम्पैक्ट की बट ऑल्सो उनके खुद के फाइनेंशियल ग्रोथ की और एक ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व करने की है तो हम आपस में यही बात करते हैं कि बचपन में हम ये बोलते थे कि बड़े हो के एक्टर बनेंगे स्पोर्ट्समैन बनेंगे या ऐसे कुछ चीजें होती थी बट आज अगर हम ये सुने कि कोई बड़ा होके ये बोलता है कि मुझे बड़ा होके ऑन्ट्रप्रनर बनना है स्पेस इंडस्ट्री में काम करना है ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक छोटा सा पार्ट प्ले कर पाए साथियों एक प्रकार से प्रणीत किशन डेनिल रक्षित सुयास जितनी मजबूत आपकी दोस्ती है उतना ही मजबूत आपका स्टार्टअप भी है तभी तो आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं मुझे कुछ साल पहले आईआईटी मद्रास जाने का अवसर मिला था और मैंने उस संस्थान के एक्सेलेंस को खुद अनुभव किया है और वैसे भी आईआईटी के संबंध में पूरे विश्व में एक सम्मान का भाव है और वहाँ से निकलने वाले हमारे लोग जब भारत के लिए काम करते हैं तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं आप सभी को और स्पेस सेक्टर में काम करने वाले दूसरे सभी स्टार्टअप्स को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप पांचों साथियों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों थैंक यू सो मच मेरे प्यारे देशवासियों इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले एक लाख युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आवाहन किया है मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है इसे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूँ मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे हुआ जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा साथियों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूंगा इस अभियान से जरूर जुड़े आपका ये कदम अपने और देश के भविष्य को बदलने वाला होगा मेरे प्यारे देशवासियों हर घर तिरंगा और पूरा देश तिरंगा इस बार ये अभियान अपनी पूरी ऊंचाई पर रहा देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आई हमने घरों पर तिरंगा लहराते देखा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तिरंगा देखा लोगों ने अपनी दुकानों दफ्तरों में तिरंगा लगाया लोगों ने अपने डेस्कटॉप मोबाइल और गाड़ियों में भी तिरंगा लगाया जब लोग एक साथ जुड़कर अपनी भावना प्रकट करते हैं तो इसी तरह हर अभियान को चार चांद लग जाते हैं अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जम्मू कश्मीर के रियासी की है यहाँ 750 मीटर लंबे झंडे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई और ये रैली दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज पर निकाली गई जिसने भी इन तस्वीरों को देखा उसका मन खुशी से जुम उठा श्रीनगर के डल लेक में भी तिरंगा यात्रा की मनमोहक तस्वीरें हम सब ने देखी अरुणाचल प्रदेश के इस कामेंग जिले में भी 600 फीट लंबे तिरंगे के साथ यात्रा निकाली गई देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह हर उम्र के लोग ऐसी तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए स्वतंत्रता दिवस अब एक सामाजिक पर्व भी बनता जा रहा है ये आपने भी अनुभव किया होगा लोग अपने घरों को तिरंगा माला से सजाते हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लाखों झंडे तैयार करती है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर तिरंगे में रंगे सामानों की बिक्री बढ़ जाती है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के हर कोने जल थल नव हर जगह हमारे झंडे के तीन रंग दिखाई दिए हर घर तिरंगा वेबसाइट पर पांच करोड़ से ज्यादा सेल्फी भी पोस्ट की गई इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है मेरे प्यारे देशवासियों इंसानों और जानवरों के प्यार पर आपने कितनी सारी फिल्में देखी होगी लेकिन एक रियल स्टोरी इन दिनों असम में बन रही है असम में तिनसुकिया जिले के एक छोटे से गांव बारेकुरी में मोरान समुदाय के लोग रहते हैं और इसी गांव में रहते हैं गिबन जिन्हें यहां होलो बंदर कहा जाता है गिबन्स ने इस गांव में ही अपना बसेरा बना लिया है आपको जानकर आश्चर्य होगा इस गांव के लोगों का गिबन के साथ बहुत गहरा संबंध है गांव के लोग आज भी अपने पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं इसलिए उन्होंने वो सारे काम किए जिससे गीबंस के साथ उनके रिश्ते और मजबूत हो। उन्हें जब यह एहसास हुआ कि गीबंश को केले बहुत पसंद हैं तो उन्होंने केले की खेती भी शुरू कर दी इसके अलावा उन्होंने तय किया कि गीबंस के जन्म और मृत्यु से जुड़े रीति रिवाजों को वैसे ही पूरा करेंगे जैसा वे अपने लोगों के लिए करते हैं उन्होंने गिबंस को नाम भी दिए हैं हाल ही में गिबंस को पास से गुजर रहे बिजली के तारों के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था ऐसे में इस गांव के लोगों ने सरकार के सामने इस मामले को रखा और जल्द ही इसका समाधान भी निकाल लिया गया मुझे बताया गया है कि अब ये गिबंस तस्वीरों के लिए पोज भी देते हैं साथियों पशुओं के पति प्रेम में हमारे अरुणाचल प्रदेश के युवा साथी भी किसी से पीछे नहीं है अरुणाचल में हमारे कुछ युवा साथियों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया है जानते हैं क्यों क्योंकि वो वन्य जीवों को सिंगों और दांतों के लिए शिकार होने से बचाना चाहते हैं नाबम बापू और लीखा नाना के नेतृत्व में ये टीम जानवरों के अलग अलग हिस्सों की थ्री प्रिंटिंग करती हैं जानवरों के सिंग हो दांत हो ये सब थ्री प्रिंटिंग से तैयार होते हैं इससे फिर ड्रेस और टोपी जैसी चीजें बनाई जाती हैं ये गजब का ऑल्टरनेटिव है जिसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का उपयोग होता है ऐसे अद्भुत प्रयासों की जितनी भी सराहना की जाए कम है मैं तो कहूँगा अधिक से अधिक स्टार्टअप इस क्षेत्र में सामने आए ताकि हमारे पशुओं की रक्षा हो सके और परंपरा भी चलती रहे मेरे प्यारे देशवासियों मध्य प्रदेश के जाबुआ में कुछ ऐसा शानदार हो रहा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए वहां पर हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों ने कमाल कर दिया है इन भाई बहनों ने हमें वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है इस टीम ने जाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट इस्तेमाल की हुई बॉटल्स टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए इन वर्क्स में हेलीकॉप्टर कार और तोपे भी शामिल हैं खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए हैं यहाँ इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए किया गया है सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल का मंत्र अपनाया है उनके प्रयासों से पार्क बहुत ही सुंदर दिखने लगा है इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के जिलों में रहने वाले भी यहाँ पहुंच रहे हैं साथियों मुझे खुशी है कि आज हमारे देश में कई सारी स्टार्टअप टीम भी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रयासों से जुड़ रही है ई e कॉन्सियस नाम की एक टीम है जो प्लास्टिक वेस्ट का उपयोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में कर रही है इसका आइडिया उन्हें हमारे पर्यटन स्थलों विशेषकर पहाड़ी इलाकों में फैले कचरे को देख करके आया ऐसे ही लोगों की एक और टीम ने इको कारी नाम से स्टार्टअप शुरू किया है ये प्लास्टिक वेस्ट से अलग अलग खूबसूरत चीजें बनाते हैं साथियों टॉय रिसाइकलिंग भी ऐसा ही एक और क्षेत्र है जिसमें हम मिलकर काम कर सकते हैं आप भी जानते हैं कि कई बच्चे कितनी जल्दी खिलौनों से बोर हो जाते हैं वही ऐसे बच्चे भी हैं जो उन्हीं खिलौनों का सपना संजोए होते हैं ऐसे खिलौने जिससे अब आपके बच्चे नहीं खेलते उन्हें आप ऐसी जगहों पर दे सकते हैं जहां उनका उपयोग होता रहे ये भी पर्यावरण के रक्षा का एक अच्छा रास्ता है हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी पर्यावरण भी मजबूत होगा और देश भी आगे बढ़ेगा मेरे प्यारे देशवासियों कुछ ही दिन पहले हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा सुख शीघ्र गम गंगम इधम लक्ष्मण सातु त्रिस्त्री तिर नाम स्वाकु नंदना तिथिर सुख शीघ्र गम गंगम इधम साथियों इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुएनिया से है वहां एक प्रोफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहाँ उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया यहाँ ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए मेरे प्यारे देशवासियों हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी स्त्री अन्न को जगह देने लगे हैं इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो साथियों हमारा परिवार हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है इसके लिए हर साल एक सितंबर से तीस सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला एनीमिया शिविर नवजात शिशुओं के घर की विजिट सेमिनार वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है ये कमेटी कुपोषित बच्चों गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है पोषण भी पढ़ाई भी इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी मेरे प्यारे देशवासियों इस बार की मन की बात में इतना ही मन की बात में आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है जैसे मैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ करके के हल्के फुलके वातावरण में अपने मन की बातें साझा कर रहा हूँ आपके मन से जुड़ रहा हूँ आपके फीडबैक आपके सुझाव मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है कुछ ही दिनों में अनेक त्यौहार आने वाले हैं मैं आप सभी को उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जन्माष्टमी का त्यौहार भी है अगले महीने शुरुआत में ही गणेश चतुर्थी का भी पर्व है ओणम का त्यौहार भी करीब है मिलाद उन नबी की भी बधाई देता हूं साथियों इस महीने 29 तारीख को तेलुगु भाषा दिवस भी है यह सचमुच बहुत ही अद्भुत भाषा है मैं दुनिया भर के सभी तेलुगु भाषियों को तेलुगु भाषा दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ प्रपंच व्याप्तंगा उन्न तेलुगु वारी की तेलुगु भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्ष लू साथियों मैं आप सभी से बारिश के इस मौसम में सावधानी बरतने के साथ ही कैच द रेन मूवमेंट का हिस्सा बनने का भी आग्रह दोहराऊंगा मैं आप सभी को एक पेड़ माँ के नाम अभियान की याद दिलाना चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए और दूसरों से भी इसका आग्रह करें आने वाले दिनों में पेरिस में पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं हमारे दिव्यांग भाई बहन वहां पहुंचे हैं 140 करोड़ भारतीय अपने एथलीट और खिलाड़ियों को चीयर कर रहे हैं आप भी हैशैग फॉर भारत के साथ अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दीजिए अगले महीने हम एक बार फिर जुड़ेंगे और बहुत सारे विषयों पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार